गुड मॉर्निंग, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको लेबर भाइयों के लिए या फिर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी अपडेट लेके आए हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूआई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट किया गया है कि अगर आप यूआई में काम करते हो तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट यानी अनएम्प्लॉयमेंट का इंश्योरेंस होगा। आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास काम नहीं है उसका भी आपको इंश्योरेंस यहाँ पे होगा। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अगर अपडेट, कोई भी वीडियो, कोई भी यूआई से रिलेटेड अगर मैं वीडियो अपडेट डालता हूँ तो वो आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कई कामगार नौकरी जाने के डर से काफ़ी परेशान रहते हैं, आप सभी को पता है। और इसके अलावा कई स्थिति में कभी कभी बिना गलती के भी हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये हम सब लोगों के साथ होता है, जो भी थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके साथ भी होता है, जो हमारे लेबर भाई हैं या जो पढ़े लिखे भी होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। तो ये चीज़ें चला करती हैं। हालाँकि ऐसे मामले में कई तरह के कानून हैं जो यूएस सरकार ने दे रखे हैं जो हम लोगों की रक्षा करता है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से इसके लिए एक नया इंश्योरेंस की घोषणा यानी एक नया इंश्योरेंस की स्कीम भी निकाली गई है, जिससे जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें इस दिशा में लाभ मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की स्कीम किस किस को मिलेगी और इसकी मदद किसको मिल सकती है, ठीक है। सोमवार को यूआई वाइस प्रेसिडेंट ने यह ट्वीट के माध्यम से बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम के जरिए कुछ समय तक उन लोगों को सुविधा दी जाएगी जिन्होंने अचानक से अपनी नौकरी खो दी है। आप समझ रहे हैं, मतलब जिन्होंने अपनी जो नौकरी अचानक से खो दी है उनको ये कुछ समय के लिए दी जाएगी। इंश्योरेंस पैकेज के द्वारा वह सुविधा दी जाएगी। कहा गया है कि इस सुविधा का लाभ उस समय तक ही कामगारों को यानी जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनको दिया जाएगा जब तक कि वह दूसरा काम नहीं ढूंढ लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपने काम ढूंढ लिया आपको फिर भी ये सुविधा मिलती रहे। बता दें कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस सिस्टम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए चुनिंदा नागरिक और प्रवासी जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं कामगारों के लिए लागू होगा। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस सिस्टम है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे प्रवासी जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए लागू होगा। और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं उसके लिए उसकी लिस्ट भी इन्होंने दे रखी, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पर आते हैं इन्वेस्टर, जो यहाँ पर लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लोग आते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं घरेलू कामगार, जो यहाँ पर घर का काम करते हैं। नंबर तीन पे आते हैं तत्कालीन कॉन्ट्रैक्ट वाले कामगार, जिनका तुरंत अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो और उनका वीज़ा कैंसिल या नौकरी वगैरह छूट गई हो, ऐसा हो सकता है, उनके साथ भी ऐसा होता है। 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी ये सुविधा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में 18 साल से कम उम्र के लोग और पेंशन के साथ रिटायर लोग जो नई जॉब पर हैं उनको भी सुविधा मिलेगी, ठीक है। यानी कि जो छोटे हैं या जो बड़े हैं उनको, उन दोनों को ये सुविधा मिलेगी। तो इंश्योरेंस के तहत ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे दिया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है, आप वहाँ पे मुझे कमेंट्स कर सकते हो। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसे खुद से चेक कर सकते हो। जो लोग भी अभी यूएई में काम कर रहे हैं उनके लिए मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी अपडेट है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।